हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रोड से। आज हमारे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कुछ दाद बाबत है, उसको खाने के लिए आए हैं। सो वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरा सेकंड डेली ब्लॉग होने वाला है। तो मैं अभी आया हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जैसा कि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के लिए शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन करवाने के लिए हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी के जवान और कुछ सीआरपीएफ के भी सोल्जर्स वगैरह आए हुए हैं। जैसा कि आपने मेरा कॉलेज देखा था, जिसमें अभी सीआरपीएफ के जवान वगैरह रुके हुए हैं। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस में आए हैं, किस तरीके से उनका टेंट वगैरह जो भी कुछ है और सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से परेड करते हैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ। उस तरफ मुझको बस दिखाई दे रही है, तो देखते हैं किस में आए, शायद बस में आए लगे शायद। तो आप देख सकते हो एक बस तो ये खड़ी हुई है, शायद ये उसमें गवर्नमेंट बस में आए हुए हैं। और आज जो हमारे कॉलेज में कल शादी भी था, तो देखते हैं किस तरीके से वे रहते हैं, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। दो बस और खड़ी है मेरे आगे की तरफ, चलो दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश परिवहन मतलब उत्तर प्रदेश की गाड़ी है। तो आप लोगों को बता दूं ये आर्मी के सोल्जर्स नहीं है, बल्कि ये सीआरपीएफ के सोल्जर्स है। सीआरपीएफ जैसे आर्मी का एक पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है वही है। तो दो बस खड़ी है, आप लोगों को वहाँ दिखा दूं। और डेली अभी शायद वहाँ अंदर है या नहीं है देखते हैं। चलिए एक बस तो ये खड़ी है और एक बस इस तरफ खड़ी है, जो बड़ी दूसरी बस है वो बिल्कुल रोड के किनारे पे खड़ी है। तो चले अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ होता है। कल शादी था इसी कारण से शायद वो सोल्जर वगैरह वो ऊपर ही हैं। तो देखते हैं, चल के देखते हैं वहाँ है या नहीं है, या अपनी ड्यूटी पे गए हुए। तो देख सकते हो कल शादी था इसी कारण से टेंट वगैरह चारों तरफ लगाया हुआ है, तो उनको हटाने का काम किया जा रहा। तो बस मेरे बगल में ही खड़ी है, तो देख सकते हो तीन बस यहाँ खड़ी है। इसका मतलब कि ये सोल्जर वगैरह यहाँ अंदर है या नहीं तो बाहर भी गए जा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ सुरक्षा भी देनी है उनको। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. तो छोटे छोटे पिल्ले आ चुके हैं, तो यहाँ खेल रहे हैं। तो चलो इनके साथ थोड़ा मस्ती करते हैं। आपको दिखाता हूँ इनको बुलाने की टेक्निक। जो सीआरपीएफ बारे हैं वो सभी गए हैं अपने प्रचार में, जैसा कि हर गली हर गांव हर मोहल्ले में जाके वो अपना वो निकालते हैं, रैली सा निकालते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं अब कोई दंगा फसाद नहीं होने वाला है। तो इसी कारण से सभी गए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, मैं अपने कुछ अपने फ्रेंड से वीडियो लेके आप लोगों को दिखा दूंगा। दोस्तों मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कल दिखा देता हूँ, कल दिखा दूंगा आप लोगों को सुबह सुबह आके। ऐसे ही 8-10, 8-9 बजे तक तो यहीं पे ही रहेंगे, तो वो फुल अपने वर्दी में होंगे, अपने फुल ड्रेस में होंगे, तो तभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा अच्छी तरीके से। उनका परेड वगैरह भी होता है, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो चलिए तो मैं आप लोगों को और जगह ले चलता हूँ, घुमा के लाता हूँ थोड़ा। हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन के बगल से गुजर रहे हैं, इतनी कार है अब तो काफ़ी ज़्यादा, गाड़ियाँ बंद है इस पुलिस स्टेशन में, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मॉर्निंग दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे, तो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करने वाला हूँ। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना देते, दिखा देते हैं आप लोगों को, फिट रहना भी जरूरी है इसलिए एक्सरसाइज कर रहा था। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, सीआरपीएफ इंडियन आर्मी बीएसएफ वगैरह आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो हम आज जाएंगे, तो मैंने आप लोगों को क्लिप्स दिखा दी अपने फ्रेंड से लेके, किस तरीके से घर घर जाके और अपने गली मोहल्ले में जाके वो पैदल मार्च कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैंने कुछ एक्सरसाइज कर लिया है, किसी दिन आप मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं आप लोगों को अपना फुल जिम टूर करवाऊंगा। जिम नहीं, मैंने खुद ही अपने देसी तरीके से कुछ इक्विपमेंट्स बनाए थे, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। तो कमेंट करके बताना, एक दिन फिटनेस ब्लॉग भी होना जरूरी है। तो आज के लिए कुछ इतना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।